क्यों उबल पड़ी हमेशा शांत रहने वाली दारमा घाटी? उत्तराखंड की दारमा घाटी में सड़कों पर क्यों उतर आए लोग? शांत रहने वाली दारमा घाटी में सड़कों पर उतरा जनसैलाब। डैम के विरोध में नारे लगा रहे हैं दारमा घाटी के लोग। पहाड़ों के लोग बेहद शांतिप्रिय और सरल माने जाते हैं, जिन्हें अपने पहाड़ों का रोमांच से भरा जीवन बेहद प्यारा होता है। लेकिन जब कोई इनकी सभ्यता से या प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो ये बर्दाश्त नहीं करते। कुछ इसी तरह के लोग हैं उत्तराखंड की दारमा घाटी में बसे हुए, जो अक्सर शांत रहते हैं और इसलिए दारमा घाटी भी शांत रहती है। लेकिन आज के लिए दारमा घाटी काफी अशांत नजर आ रही है। लोगों का विशाल जनसैलाब सड़कों पर है और विरोध के नारों की आवाज से गूंज रहा है, और उसकी वजह है इनके मन में बैठा डर, जो ये देख चुके हैं जोशीमठ में। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको इसी वीडियो में, बस आपको हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना है। दरअसल उत्तराखंड का हर वो शख्स डरा हुआ महसूस कर रहा है जिसने जोशीमठ की घटना को देखा है और जिसके इलाके में कोई डैम बना हुआ है या बन रहा है। इसी तरह जोशीमठ की घटना से सहमे पिथौरागढ़ जिले में दारमा घाटी के लोग अब बोकांग बैलिंग जल विद्युत परियोजना के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत गो घाटी बगड़ में प्रदर्शन कर प्रस्तावित परियोजना के विरोध का ऐलान किया है। दरअसल THDC यहां बेलिंग में 165 मेगावाट क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना बनाने की तैयारी कर रही है, जिसकी टेस्टिंग के लिए 30 मीटर टनल भी खोदी गई है, जिसके बाद से ही यहां के ग्रामीणों में नाराजगी है। फिलहाल यहां के ग्रामीण माइग्रेशन कर निचले इलाकों में आ गए हैं, लेकिन माइग्रेशन खत्म होने के बाद यहां के लोग इस जल विद्युत परियोजना को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि सीमांत के लोगों को विनाश के आधार पर विकास नहीं चाहिए, इसलिए हम इस डैम को नहीं बनने देंगे। दारमा घाटी के कई गांव पहले से ही आपदा की मार झेल रहे हैं। ऐसे में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से 165 मेगावाट के प्रस्तावित बोकांग बैलिंग जल विद्युत परियोजना के बनने से घाटी में आपदा का खतरा और बढ़ जाएगा। दरअसल इन लोगों का ये कहना है कि जोशीमठ के हालात देखते हुए सरकार को खुद ही समय रहते ऐसी परियोजनाओं को बंद कर देना चाहिए, जो विनाश की बुनियाद पर विकास देते हों। यही वजह है कि दारमा घाटी में अब लोग एकजुट होकर डैम के विरोध में निकल चुके हैं और किसी भी कीमत पर इसका निर्माण रोकना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि दारमा घाटी चीन सीमा पर बसी एक जगह है, जो आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है, जिसका प्रमाण यहां हर बरसात में देखा जा सकता है। और चिंता की बात यह है कि इस इलाके में पहले से ही छिरकिला डैम और धौली गंगा विद्युत परियोजना बनी हुई है, और यहां भी कई ऐसे इलाके हैं जहां भूधसाव देखा जा सकता है, जिसकी वजह से यहां बसा हर गांव लगातार इसकी चपेट में आ रहा है, जिन्हें बचाने के लिए भी यहां के ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस डैम के बनने के बाद राज्य को तो 165 मेगावाट बिजली मिलेगी, लेकिन सीमांत में रह रहे लोगों के लिए यह विनाश का कारण भी बनेगा। कुल मिलाकर परियोजना का उद्देश्य यह है कि इसके बनने से राज्य को 165 मेगावाट बिजली मिलेगी। वहीं ग्रामीणों की आशंका यह है कि आपदा की स्थिति में तिदांग, धाकर, गो, वॉन, फिल्म आदि गांव प्रभावित होंगे। अब होना ये चाहिए कि दोनों पक्षों को बैठकर एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए, नहीं तो गतिरोध बढ़ता जाएगा और नुकसान दोनों पक्षों का होगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।